वक्त की ये बड़ी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जांच पूरी कर ली गई है इस हादसे की। हादसे की वजह का पता चल चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया ये बहुत बड़ा बयान है। सवाल बहुत सारे थे कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। सेफ्टी कमिश्नर जल्द रिपोर्ट देने वाले हैं और रिपोर्ट मिलते ही फिर जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है। इस पूरे हादसे के पीछे का कारण क्या था, जांच कर ली गई है। अमिताभ सिन्हा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, जांच यहां पर पूरी कर ली गई है और कहा यह जा रहा है कि जल्द रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, कार्रवाई भी फिर हो जाएगी। देखिए, कल दुर्घटना के जब प्रधानमंत्री के साथ जो ब्रीफिंग हुई थी अधिकारियों की, उनको भी कई चीजें बताई गई थी और देर शाम हमें भी सरकारी सूत्रों ने दो तीन बातें एक साफ कर दी थी। वो पहली बात ये थी कि ट्रेनें आपस में नहीं टकराई थी। एक ट्रेन लूप लाइन में खड़ी थी, दूसरी ट्रेन और कोरोमंडल एक्सप्रेस यशवंतपुर एक्सप्रेस क्रॉस कर रही थी और एक दूसरे को, उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उनके डिब्बे उखड़ गए और कुछ उसके डब्बे जो लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी थी उस पर गिरे थे और कुछ डब्बे यशवंतपुर जा रही यशवंतपुर एक्सप्रेस पे गिरे थे और यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी दो डिब्बों पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे गिरे थे। इसलिए यशवंतपुर एक्सप्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, उनके सिर्फ आखिरी दो डब्बों को नुकसान हुआ था जिसमें गार्ड और एक जनरल बोगी थी। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डब्बे पटरी से उतर गए थे, यानी सिर्फ एक ट्रेन पटरी से उतरी थी और दोनों ट्रेनों के ऊपर उसका नुकसान हुआ था। लेकिन ये बात रेलवे ने कल ही साफ कर दी थी कि ऐसा तीनों ट्रेनें आपस में नहीं टकराई थी। अब दूसरी बात जो रेलवे इंक्वायरी कर रही थी, जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कर रहे थे, वो था कि कोई मैनुअल एरर तो नहीं था, ये जांचना चाह रही थी इस डिरेलमेंट के पीछे। दूसरा कारण ये हो सकता है सिग्नलिंग की कोई दिक्कत तो नहीं थी, ये भी रेलवे जानना चाह रहा था। तीसरा कारण कि रेलवे के पटरियों में कुछ दिक्कत तो नहीं थी, ये जानना चाह रहा था। मुझे लगता है अगर अश्विनी वैष्णव जी ने अगर ऐलान किया है कि इंक्वायरी पूरी हो गई है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंक्वायरी पूरी करना ये बहुत बड़ी बात बताता है कि रेलवे मंत्री खुद वहां मौजूद है, रेलवे की पूरी टीम, रेलवे के सारे बड़े अधिकारी स्पॉट पे मौजूद हैं। तो मुझे नहीं लगता इस काम में कोई दिक्कत आई होगी जो आइडेंटिफाई करने में कि क्या मुश्किलें आई हैं, और इन मुश्किलों को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में रेलवे सेफ्टी के जो बाकी उपाय हैं वो काफी कुछ किए जाएंगे। तो एंटी कोलिजन डिवाइस भी ज्यादातर बड़ी ट्रेनों में लग रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं, सुपर फाइज ट्रेनें हैं, तो आगे आने वाले दिनों मुझे लगता है कि पूरी के पूरी रेलवे में सारी ट्रेनों में जो देर रात ट्रेवल करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, उसमें एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की बात जरूर शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इंक्वायरी पूरी हो गई है और ट्रैक रेस्टोरेशन बुधवार तक कर लिया जाएगा, ये बात पे ऐलान कर दिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत फटाफट काम किया है रेलवे मंत्रालय ने इस बार। ठीक है अमिताभ जी, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर अब तक की ये है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि अब जांच पूरी कर ली गई है। और क्या कुछ कहा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, एक बार फिर से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। डैम्पिंग मशीन रेडी पड़ी है, जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि कैसे मरम्मत का काम इस वक्त चल रहा है। अमिताभ सिन्हा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, अगर ये कहा जा रहा है कि जांच पूरी हो चुकी है, जल्द रिपोर्ट भी मिल जाएगी, तो जरूर अब आगे के लिए सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बाकी राज्यों के लिए भी, बाकी ट्रेन के लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी गलती एक बार फिर से ना होने पाए। भविष्य के लिए और ज्यादा सतर्क अब मंत्रालय हो जाएगा, रेल मंत्रालय। चलिए मैं संपर्क करूंगी एक बार फिर से, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। ओडिशा के बालासोर से जो तस्वीरें हैं वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और वो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कल रात भी यही तस्वीर हमने देखी और अब सबसे बड़ा बयान ये आ चुका है कि जांच पूरी हो गई है। जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। इतने कम समय में इतने बड़े हादसे की जांच इसीलिए पूरी हो चुकी है क्योंकि
क्योंकि आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्शन में पहले नजर आते हैं, वो हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं, वो अस्पताल में जाते हैं, घायलों से मुलाकात करते हैं और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उस विभाग के मुखिया जब पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो इसीलिए जांच में भी तेजी आई है और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जांच पूरी कर ली गई है। बहरहाल ये तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये क्रेन की मदद से आप देखेंगे कैसे एक तरफ मलबा हटाया जा रहा है, एक तरफ जो जगह क्षतिग्रस्त हुई है उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। 1000 लगभग ऐसे लोग बताए जा रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स बताए जा रहे हैं जो इस वक्त इस ट्रैक को दुरुस्त कर रहे हैं, मरम्मत का काम कर रहे हैं और बुधवार सुबह का टारगेट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी बताया गया, बुधवार सुबह तक एक बार फिर से ट्रेन का संचालन इस ट्रैक से होना है और उसी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए यहां पर तेजी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये भी बताया कि कल रात में एक ट्रैक को पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है, एक ट्रैक को आज पूरा किया जाना है, ये टारगेट रखा गया है, यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा लेकिन फिर से ट्रैक पहले जैसा हो जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और पल पल की मॉनिटरिंग नजर बनाए हुए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है और एक बार फिर से वो मौके पर भी पहुंच चुके हैं। बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा, लेकिन उसके बाद की भी बहुत खतरनाक तस्वीर है। ये जो ट्रैक हुआ करता था जहां से सरपट यहां पर ट्रेन दौड़ती थी, लेकिन अब यहां पर सब कुछ तहस नहस है, यहां पर मलबा बिखरा हुआ है क्योंकि न जाने कितने लोग जख्मी हुए हैं, 1000 से ज्यादा का यह आंकड़ा है और 288 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। इतने सारे लोग जब इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, इस दर्दनाक हादसे में कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को खो दिया, कई सारे लोग इसमें जख्मी हुए, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर है ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दुष्यंत मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इस वक्त आप वहां पर क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे हैं, क्या और जानकारी आपके पास? देखिए जो प्रोग्राम है, अश्विनी वैष्णव जी और धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आज रिव्यू करेंगे, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी और धर्मेंद्र प्रधान रिव्यू करेंगे। क्विक बोगी जो वहां पर था, पटरी से बैठा हुआ था, उसको साइड किया गया है और रेलवे का सबसे बड़ा होगा कि आज कैसे भी करके लाइन क्लियर किया जाए, एक पटरी को क्लियर किया जाए जो चेन्नई से वेस्ट बंगाल तक जोड़ता है, जो पटरी उसे कैसे भी करके क्लियर करना कोशिश कर रहे हैं। और जो एक्विस बोगी वहां पर था उसको साइड किया गया और आज रिस्टोरेशन का काम होगा, जल्द से जल्द होगा और इसके बाद मंत्री वहां से सीधा जहां जो रिस्टोरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन में है उनके साथ बातचीत करेंगे, ऑपरेशन कहां तक पहुंचा वो बातचीत करने के बाद वहां से फिर रवाना होंगे। जो सौरव मेडिकल है यहाँ पर 12 किलोमीटर के दूरी में सौरव मेडिकल है, वहाँ पर बातचीत करेंगे। जो लोग पायलट थे इस कोरोमंडल एक्सप्रेस के, उनसे बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर जितने पैसे थे उनके साथ बातचीत करेंगे। फिर वहाँ से भद्रक मेडिकल जाएंगे मिनिस्टर, लोगों को जिला कैसा हाल है उनका, जो वहाँ पर एक्सीडेंट से घायल हो चुके हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद कटक रवाना होंगे, जो हेल्थ मिनिस्टर आए हैं मनसुख मांडव्य जी, उनके साथ 245 वहां पर बातचीत करेंगे। कटक एसीबी मेडिकल में किस तरह से हालत है, पहला दो प्रायोरिटी है किस तरह से, जो स्पॉट पे जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर लाइन कैसे क्लियर किया जाए, जल्द से जल्द जो वेस्ट बंगाल और चेन्नई साउथ और ईस्ट जोन को जो जोड़ता है, जो पटरी को कैसे भी करके लाइन क्लियर करके ट्रेन चला जाए, और दूसरा है लोगों को किस तरह से सुरक्षित मेडिकल फैसिलिटीज लगाई जाए, ये दो काम प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या कोई और जानकारी आपको मिल पा रही है? जो लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनको कहीं ट्रांसफर भी किया जा रहा है अगर जरूरत पड़ रही है तो? हाँ जी, देखिए एससीबी मेडिकल और एम्स भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल इसी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और आज जो हेल्थ मिनिस्टर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं वो एम्स जाएंगे, भुवनेश्वर एम्स जा रहे हैं और यहाँ पर अभी भी एम्बुलेंस तैनात किया गया है, कैसे भी करके
जो भी हेल्थ कंडीशन जो जैसे कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उस टेरिटरी में जितने भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहे हैं, सौरव मेडिकल हो, भद्रक मेडिकल हो, बालेश्वर मेडिकल हो, वहां से उन लोगों जो सीरियस पेशेंट है उनको कैसे भी करके एम्बुलेंस एचसीबी मेडिकल और एम्स भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल लिया जा रहा है और वहां पर उन लोगों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसीलिए आज एम्बुलेंस भी तैनात है और एम्स पे आज मनसुख मंडाविया जी जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं वो आए हैं, अभी एम्स जा चुके हैं, वहां पर एम्स में वो जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं इस एक्सीडेंट हादसे में जो घायल हैं उन लोगों से मिलेंगे, एम्स के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिर कटक में 2:45 को एचसीबी मेडिकल में कुछ पेशेंट एडमिट हुए हैं, वहां पर उन पेशेंट के साथ बातचीत करेंगे, उनका घर वालों से बातचीत करेंगे, फिर मिनिस्टर के साथ बैठ के हेल्थ मिनिस्टर और रेडियो मिनिस्टर और जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे बातचीत करने के बाद फिर दिल्ली लौटेंगे। अच्छा, आपको इस बात की जानकारी है, भुवनेश्वर एम्स में बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, कैसे उनके बारे में पता लगाया जा रहा है? देखिए, बहुत सी लोग हैं अभी भी उन लोगों का परिवार लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो एसआरसी है, स्टेट रिलीफ कमिश्नर है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जो लोग हैं उनका किस तरह से उन लोगों का परिवार लोगों के साथ कांटेक्ट हो, किस तरह से लोग उन लोगों को मिल पाए। कुछ कॉन्टैक्ट अभी भी लोगों का मिल नहीं रहा है, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हेल्प डेस्क अभी भी जारी किया गया है। हेल्प डेस्क में जहाँ जो 10-15 हेल्प डेस्क किया गया है उस हेल्प डेस्क के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कैसे ये ट्रेस आउट किया जाए। आज स्वास्थ्य मंत्री आपने बताया कि वहां पर पहुंचेंगे, क्या उनका तय समय अभी तक जानकारी मिल पाई है, कितने बजे वो आएंगे अभी आपने जानकारी दी? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और एम्स के लिए रवाना हो चुके हैं, एम्स में अभी बातचीत करेंगे, कुछ देर के बाद पेशेंट से मिलने के बाद बातचीत करेंगे। पहले एम्स मेडिकल में जो पेशेंट है वहां पर जो मेडिकल में जो पेशेंट है घायल जो है उन लोगों से पहले बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद एम्स के अधिकारी जो है उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो फिलहाल खबर आ रही है एम्स हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर और वो बातचीत कर रहे हैं भुवनेश्वर में मेडिकल लोगों के साथ घूमने के बाद डायरेक्टर के साथ, फिर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये जो हादसा हुआ है इस हादसे में किस तरह से लोगों को मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो दोनों की तरफ से कैसे भी करके फैसिलिटी अवेलेबल किया जाए वो उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और देखिए, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आपको वहां से और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अभी रेल मंत्री ने जानकारी दी कि एक ट्रैक ऐसा है जिसकी मरम्मत कर ली गई है और एक माना जा रहा है आज कर ली जाएगी। देखिए, जो पहला ट्रैक है जो इस ट्रैक से जुड़ सकता है जैसे भी करके जुड़ सकता है, मतलब कि वेस्ट ईस्ट और जो साउथ को जो पटरी जोड़ता है वो क्लियर किया गया है, उसको पहले ट्रेन चलवाया जाएगा, जो जैसे कि इमरजेंसी ट्रेन है, इस ट्रेन अभी भी भद्रक में रुका हुआ है और इधर खड़गपुर से जो आ रहा है उधर उधर वेस्ट बंगाल आसाम की तरफ से जो आ रहा है दिल्ली की तरफ से सबको रोका गया है इस पटरी की वजह से। आज हो सकता है, शायद आज ट्रेन क्लियर हो सकता है, शाम होते होते क्लियर कर देंगे। और जो दो पटरी है और दो पटरी उसको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके क्लियर किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिए, कोई और अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जानकारी दी गई, वो ये है कि जांच अब पूरी कर ली गई है, बस इंतजार है उस रिपोर्ट का जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ओडिशा के बालासोर से तस्वीर है, एक तरफ आप देखेंगे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद जो मौके पर मौजूद हैं, अब वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो टारगेट है उसके अंदर या उससे पहले ये जो मरम्मत का काम है वो अब पूरा यहां से हो जाए, क्योंकि बुधवार सुबह से एक बार फिर से ट्रैक को चालू करना है, यानी कि फिर से यहां पर ट्रेन को चलाना है। अब कैसे इसमें गति लाई जाए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरी तरफ
जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे वो ये कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो घायलों से भी मुलाकात करेंगे। वो ये घायलों से मुलाकात करने के बाद, अस्पताल जाने के बाद सुनिश्चित करेंगे कि उनका इलाज कैसे चल रहा है। और ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे थे, वो तस्वीर भी सामने आई थी जब उन्होंने खुद फोन पर स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी। बताया ये गया कि उन्होंने खुद इंस्ट्रक्ट किया था कि जो परिवार है जख्मी लोगों के, घायलों के, उनको किसी भी रूप में कोई समस्या ना आने पाए, उनको हर संभव मदद दी जाए। और यही सुनिश्चित करने के लिए आज खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया यहां पर पहुंचेंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब वो घायलों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जब वो जाएंगे तो वो एक एक चीज को यहां से बारीकी से परखेंगे, देखेंगे कि क्या ऐसी भी जरूरत है, कोई ऐसे मरीज हैं जिन्हें शिफ्ट भी अगर कहीं और किया जाना है, कोई और मेडिकल सुविधा दी जानी है, तो फिर उनको वो जल्द से जल्द मुहैया कराई जा सके। क्योंकि ये निर्देश है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उसके बाद से आप देखिए हर कोई इस वक्त एक्शन में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस पूरे मामले पर, जब से खबर मिली कि ये दर्दनाक हादसा, भीषण हादसा हुआ है, वो तब से यहां पर मौजूद है और अभी तक भी वो वहीं पर है। वो उसी ट्रैक पर इस वक्त मौजूद है जहां पर मरम्मत की जा रही है। और जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपकी तस्वीर है, ये आपकी तस्वीर है जब सब कुछ तहस नहस हो चुका है, बिखरा हुआ है, उसे समेटने की कोशिश की जा रही है। शमिष्ठा इस वक्त मेरे सहयोगी फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शमिष्ठा, आपके पास और क्या जानकारी है, क्योंकि जो अब काम है वो तेज गति से चल रहा है, लेकिन और क्या आप आसपास देख पा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, आज जो अपडेट मिल रही है सुबह से, मैं जो देख रही हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। जो बॉगीज था वो बॉगी को वहां से हटाया गया है, लेकिन अब जल्द से जल्द यार्ड का काम शुरू हो गया है। जो रेल पटरी का काम है वो बिखरा हुआ है, वो रेल पटरी को ठीक करने के लिए काम शुरू हो गई है सुबह से, क्योंकि अभी रेल जो आधिकारिक है वो लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस लाइन को वो लोग चालू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए परमिशन चाहिए, इसके लिए बहुत काम है, वही काम अभी तेज गति से हो रही है। जी बिल्कुल शमिष्ठा, और इससे पहले भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति क्या कुछ बेहतर बताई जा रही है? नहीं, वो अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन वो लोग आ रहे, उन लोगों के रिलेटिव्स लोग कुछ आ रहे हैं जिसका अभी तक कोई खोज नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ठीक ठाक एक खबर मिल रही है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, ब्लड डोनेशन हो रहा है, क्योंकि ब्लड बहुत वहाँ पे डिमांड है, क्योंकि उन लोगों का, वो बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ उड़ीसा के ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में। तो अभी उन लोगों के तरफ से, लोकल लोगों के तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप की जा रही है, क्योंकि ये बहुत सराहनीय है। इसका जिक्र कल रेल मंत्री ने भी किया था कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी मदद कैसे सामने। बहुत शुक्रिया शमिष्ठा तमाम जानकारी के लिए।